करते हैं। तो इस फेसबुक लाइव में शामिल होने वाले सभी लोगों को का स्वागत है, सबको जिंदाबाद, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, सब कुछ। आज हम MKSS के कार्यकर्ता शंकर सिंह जी द्वारा राजस्थानी लोक कथाएं सुनेंगे। लोकतंत्र शाला के पुस्तकालय प्रोग्राम ने कोविड लॉकडाउन के कारण इस कार्यक्रम का आयोजित करने का सोचा, क्योंकि हम समूह में अब गांव-गांव में तो जा नहीं सकते, ना तो लाइब्रेरीज खुले हैं, पर हमें कहानियां किसी न किसी तरह लोगों तक पहुंचाने की। इस महामारी के दौरान लोकतंत्र शाला में सब हम फंसे हुए लोग लॉकडाउन की वजह से, हम के लिए शंकर जी की कहानियां बहुत खास और महत्वपूर्ण रही है। एक दिन लोकतंत्र शाला की लाइब्रेरी के बाहर एक विजयदान देता की बातारी फुलवारी की किताब शंकर जी ने खोला और पढ़ने लगे और हम सब पहुंच गए वहां पे। तो हाँ, ऐसे दुखद पीढ़ी तो है, दुखद दौर तो है, और महामारी के सभी तनावों के बीच हम जी रहे हैं अभी, पर ये कहानियां बहुत आवश्यक और मजेदार भी है, पर आवश्यक भी है। इन कहानियों के सार को सोचने का एक रास्ता मिलता है, अलग विचार मिलते हैं कहानियों से, और इसके वजह से लॉकडाउन के दौरान किताबें हम सब के लिए, किताबें पढ़ने का एक आदत भी बन गया, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं थोड़ा लोकतंत्र शाला लाइब्रेरीज के बारे में आप सबको बताऊंगी और फिर उमा को आमंत्रित करूंगी शंकर जी के बारे में परिचित करने के लिए। तो COVID-19 महामारी जो है वो तो स्वास्थ्य की स्थिति वैसे भी निराशाजनक है ही, पर शिक्षा पे भी बहुत प्रहार हुआ है। विशेष रूप से प्रभावित हैं ग्रामीण बच्चे, जिनकी शिक्षा का ना नाम ना निशान है, क्योंकि इंटरनेट तो पहुंचता नहीं है कई कई गाँव में, और ये ऑनलाइन स्कूल तो एक साल से लगभग हो ही नहीं रही। तो पिछले साल हमने सोचा कि फिर से हम ये लाइब्रेरीज हम खोलें, क्योंकि एक सीखने की जगह की कमी के कारण बच्चों को काम पर भेजा जाता है, ठेलों पर आप देखते हैं बच्चों को, जल्दी शादी करवाते हैं और अन्य ऐसे चीजें। पर इसके अलावा भी इस बदलते हुए संदर्भ में SFD ने जो रूरल कम्युनिटी लाइब्रेरीज खोले, ग्रामीण समुदाय पुस्तकालय, और हम देख रहे हैं कि इनकी स्वरूप क्या होगी। तो पिछले साल तो हम देख रहे थे कि लाइब्रेरीज एक जगह रही है ताकि बच्चों किताबों और कहानियों, जो स्कूलों में दुश्मन के रूप में वो देखते थे, अब थोड़े दोस्त के रूप में वो देखने लगे। उनकी पढ़ने की क्षमता तो बढ़ती है ही किताबों से, पर उनकी और उससे और महत्वपूर्ण ये है कि उनकी कल्पनाओं को एक जगह दिया जाता था इन लाइब्रेरीज में। वो यहाँ पे सवाल कर सकते थे, जो भी सार कहानियों से निकलती थी उन मूल्यों पर हम चर्चा करते थे, और अगर वो केवल एक घंटे के लिए भी किताबों की दुनिया में प्रवेश कर सकते थे तो हमारे लिए काफी था, बहुत फर्क दिखाई देता था। चलो अब मैं मेरी साथी उमा यहाँ पे है, तो आमंत्रित करती हूँ कि वो शंकर मामा के परिचय सबको दें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम उमा है और मैं लोकतंत्र शाला में काम करती हूँ। साथ ही शंकर सिंह जी जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही वो मधु किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक भी रह चुके हैं और है भी। साथ ही उन्होंने जो वो काम करते आए हैं बहुत समय से, और अपनी बातों को वो बहुत ही बखूबी तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं, बहुत अनूठे तरीके से। कई बार ही हमें मुश्किल होती है कि हम अपनी बात को किस तरीके से रख पाए, लेकिन उन जो वो तरीके अपनाते हैं वो बहुत ही रचनात्मक और रुचिपूर्ण होते, जैसे कि वो नाटक, गाने और कठपुतली और किस्से कहानियों द्वारा अपनी बातों को लोगों तक। वो राजस्थान में एक आम परिवार में रहते हैं और इसके साथ ही उनको यहाँ का संदर्भ, साथ ही मुद्दे लोगों के पता है, तो वो इन जो स्किल्स है या कौशल जो है उनके पास इसका, उसको एक अलग तरीके से लोगों तक पहुँचाते हैं, उन मुद्दों को, लोगों की बातों को
लोगों के मुद्दों को, लोगों की समस्याओं को, और इसी के साथ ही वो अपनी जो बातें रखते हैं अपने व्यंग्यात्मक जो चीजें हैं या रचनात्मक रूप से उसमें लोगों के जो जन आंदोलन रहे हैं, साथ ही अभियान जो रहे हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार, गारंटी, रोजगार गारंटी, महिला आंदोलन और ऐसे सिलिकोसिस और अन्य बहुत सारे जन आंदोलन और अभियान, तो उनमें उन्होंने ये अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो कौशल है, उसको बखूबी रखा है और लोगों को बात पहुँचाई है। तो यही साथ ही इन्हीं बातों को मैं समेटते हुए अब मैं चाहूंगी कि शंकर जी अपनी बात को रखे और जो उन्होंने कहानियां तैयार की है वो अब हमें अपनी तरीके से सुने। तो जो भी इसमें पूरे जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभा को और उमा को बहुत धन्यवाद कि इन्होंने पीछे पढ़ के ये कार्यक्रम तय किया कि ये कहानी कहने वाला सुनाने वाला आप मुझे करना है। और दौर तो ऐसा चल रहा है कि क्या सुनाएं, कौन सी बात कहें। वैसे मेरी कहानियां नहीं है जो मैं आज आपको कहूंगा या सुनाऊंगा, वो मेरी कहानियां नहीं है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां हैं जिनको विजय दान देता, जो अब नहीं है इस दुनिया में, विजय दान देता ने गांव में लोगों से सुनी और उनको लिपिबद्ध किया, उनको उसकी किताबें उन्होंने लिखी। वो गांव में जाके बैठ के लोगों के बीच में सुनते हैं, फिर आके उस कहानी को पूरा लिखते हैं। तो विजय दान ने बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने उन कहानियों को लिखा, लेकिन वो पूरी कहानियां अब तो आई है हिंदी में, लेकिन इससे पहले मारवाड़ी में ही थी, राजस्थानी भाषा में ही थी। और जब आप राजस्थानी भाषा में वो करो तो कुछ शब्द उसमें ऐसे हैं जो अगर आप राजस्थानी भाषा में भी ढंग से वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हिंदी वाला बहुत महत्वपूर्ण है ये कहानियां। तो मैं आज आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो विजय दानदेता जी की किताब है बातों की बगिया, ये हिंदी में है बातों की बगिया, और इसमें से मैं आपको कुछ कहानियां सुनाऊंगा जो उन्होंने लिखी है। कहानियां विजय ने जो लिखते थे लोगों से सुन के लिखते थे, तो कहानी से कहानी बनती है, कहानी से कहानी निकलती है, और कहानियों का जो एक एक जिंदगी है उसमें एक इतिहास है, कहानियों में वर्तमान है, कहानियों में भविष्य भी है, क्योंकि वो जो जो घटनाक्रम होते हैं उनको वो लिखते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक और भी छोटी छोटी कुछ कहानियां सुनाऊंगा। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जैसे आज जो कोरोना की वजह से जो एक तरह की त्रासदी, एक तरह का जो तकलीफ आई हुई है, ऐसी तकलीफें आती रही है, उनका स्वरूप अलग होता है, लेकिन एक जो भूख वाला जो हिस्सा है अक्सर राजस्थान में अकाल पड़ते हैं, और अकाल इतने भयंकर अकाल पड़ते हैं कि लोगों को जीने के लिए उनके गांव में कोई जरिया नहीं रहता है, वहां कुछ मिलता नहीं है कि कैसे जिए। तो एक परिवार की कहानी मैं आपको बताऊंगा, भयंकर अकाल था, गांव में खाने के लिए कुछ था नहीं, पूरा गांव का गांव अपनी पेट भरने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, कहते उस समय लोगों ने पेड़ों की छाल को पीस के भी खाया था। तो ये ऐसे दिन थे, उस समय की बात है। तो पति पत्नी दोनों विचार करते हैं कि हम भी निकले यहां से, नहीं तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, हम खाएंगे क्या। तो वो दोनों अपने पलायन पे निकलते हैं, माड़वा की तरफ जाते हैं कि वहां जाके कुछ, हमारे यहाँ तो अकाल है, वहां जाके कुछ मजदूरी करेंगे, कुछ अपना कम से कम पेट तो अपने जिंदा तो रहेंगे। तो वो निकलते हैं, लेकिन एक सवाल था कि उनके दो बच्चे थे और वो दोनों ही बच्चों की उम्र बहुत कम थी, एक की
समझो 3 साल और एक और भी छोटा बच्चा, तो बड़ी वाली बहन थी, छोटा भाई था, वो 2 साल का था, बहन 3 साल की थी, तो माँ और पिताजी दोनों ने विचार किया कि क्या करें, इन बच्चों को साथ ले जाने से ना तो कोई काम देगा तो क्या करें। तो उन्होंने बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो हम तो जिंदा रहेंगे तो बच्चे तो और भी आएंगे, हो जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को कैसे समझाएं हम आपको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत प्यार से बच्चों को कहा कि देखो ऐसा है कि हम अभी जा रहे हैं, शाम को वापस आ जाएंगे, तो शाम होते ही हम आ जाएंगे, आपके लिए खिलौने भी लाएंगे। और ये ऊपर हंडिया में एक बर्तन में खिचड़ी बना के ऊपर लटका दी और इतनी ऊंची लटकाई कि वो बच्चे उसको ले नहीं सकते, पानी का परिंडा भी इतना ऊपर था कि वो उसको पकड़ नहीं सकते, और कहा कि हम शाम को आएंगे तो मिलकर बैठकर खाएंगे, और ये कह के वो चले जाते हैं। अभी असमंजस बना रहता है, वो जाते हैं और इधर बच्ची को कह के जाते हैं कि जब भैया को भूख लगे तो खिचड़ी उसमें रखिए, आप लोग निश्चिंत होके, यहाँ पानी भी रखा है, खिचड़ी भी रखी है, इस भैया का ध्यान रखना, तुम अपना भी ध्यान रखना और हम आ जाएंगे शाम को। उधर झोपड़ी के अंदर संध्या होती है, अंधेरा पूछा शाम होने में अब कितनी देर है, माँ और बाबू कब आएंगे। भैया को गोद में खिलाती हुई बही ने उसे पुचकार कर कहने लगी, शाम तो माँ और बापू के आने पर ही होगी, उनके आए बगैर शाम कैसे पड़ सकती है। रात आधी ढलने पर उसने फिर पूछा, क्या शाम हो गई। बहिन उसे हुलराते हुलराते कहने लगी, शाम होती तो माँ और बापू आ नहीं जाते, अभी शाम होने में काफी देर है, और उस झोपड़ी में पूरे वर्ष तक कभी शाम हुई नहीं। उन दोनों बच्चों का ये अडिग विश्वास था कि शाम होती तो उनके माँ बाप अवश्य आते। छींके में रोटियां और राब पड़ी थी, तिपाई पर पानी की मटकी रखी थी, पर दोनों चीजें 12 महीने तक यों की यों पड़ी रही, ने उन्हें कभी भूख लगी ने उन्हें कभी प्यास लगी। बहन बार बार भाई को ये अवश्य पूछ लेती, भूख लगे तो मेरे राजा भैया तू रोना मत, छींके में रोटियां पड़ी है, प्यास लगे तो तू रोना मत, मटके पानी से भरी है। पर राजा भैया को न तो कभी भूख लगी और न कभी प्यास, और न वे कभी इनके अभाव में रोया ही, वे निरंतर बहन को पूछ अवश्य लेता, अभी शाम नहीं हुई क्या, और बहन हर बार एक ही जवाब देती, हाँ हुई, शाम होती तो माँ और बापू घर नहीं आ जाते। शेष सारी दुनिया में तो समय के अनुसार हमेशा दिन उदय और अस्त होता, हमेशा शाम होती, किंतु उन दोनों बच्चों की झोंपड़ी में 12 महीनों तक कभी भी शाम नहीं हुई। पूरे एक वर्ष बाद ऋतुओं का क्रम संपूर्ण हुआ, सावन के महीने में कदरारे बादल प्यासी धरती पर बरसे तो ऐसे बरसे कि बस मानो समुद्री फूट पड़ा हो, मालवे से दोनों पति पत्नी घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में विचार करते हैं कि क्या करें, कौन हिम्मत करेगा घर के अंदर जाके कि उन बच्चों की लाश को, उनकी डेड बॉडी को दफनाने का काम। तो दिल को जाएंगे तो दिक्कत है, कोई इनको देख लेगा तो फिर वो कहेंगे इन बच्चों को कैसे छोड़ के गए, और हम रात को जाएं और वो डेड बॉडी को दफना देंगे और गांव वाले पूछेंगे तो कह देंगे कि वहां मालवे में जब वहां गए थे तो वहां इनको बुखार उखार आया और उसके बाद ये उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो रात को जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजे का कुंदा खोलते हैं तो उस कुंदे की आवाज को सुनते अंदर से आवाज आती है, लो भैया मम्मी पापा आ गए, अब हम खिचड़ी खाएंगे। वो मम्मी पापा दोनों कांपने लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि ये किस उम्मीद पे जिंदा है, अब तक जिंदा रहे किस उम्मीद पे, किस भरोसे पे जिंदा रहे। तो वो दरवाजा खोलते हैं और दोनों पांव में लिपट जाते हैं और कहते हैं कि बहुत देरी से आए
अभी शाम हुई है, आप हमें खिचड़ी खिलाओ जल्दी, बहुत भूख लगी है। वो उस हंडिया जो ऊपर लटकी हुई थी उसमें कुछ नहीं था, उसमें एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा विश्वास था, जिस विश्वास के ऊपर ये बच्चे जिंदा थे। और जैसे ही उस हंडिया को बच्चे जिद करते हैं कि उतारो उतारो उतारो, और वो उतार के नीचे रखने लगते हैं तो फूट जाती है और उसमें कुछ नहीं होता है। तो हंडिया फूटती है, उस समय दोनों बच्चों के प्राण निकल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से विश्वास पे टिके रहे। कहानी का पूरा मकसद यही है कि आज गरीब लोगों की दुनिया, लोग विश्वास के भरोसे अपनी जिंदगी को कितना खींचते 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 चलाते रहते हैं। तो ये कहानी थी आशा अमरधन, मतलब आपकी उम्मीद के ऊपर आशा, एक तरह की उस विश्वास के भरोसे वो टिके रहे। और मैं एक कहानी आपको शेयर करूंगा। ये कैप्शन के ऊपर है, बहुत मतलब लेखक कुछ जब लिखते हैं तो वो देखते हैं, मैं आपको किताब से ही इसको, कई बार वो बातें ऐसी लिखते हैं कि वो हमें लगता है कि किसान, दूसरी कहानी ये, इस कहानी का शीर्षक है पगड़ी तो भैंस चर गई। साफे में जो साफा पानते हैं ना पगड़ी। एक किसान बनिए का कर्जदार था, उसका दुर्भाग्य कि हर साल अकाल के पड़ते हुए वो बनिए का कर्ज नहीं चुका पाया। पर वो कर्ज नहीं चुकाने से जब उसके पास कुछ था नहीं तो बनिया अदालत में चला गया, उसके खिलाफ उसने दावा कर दिया कि किसान मेरे से कर्जा लिया है, इसने चुकाया नहीं। अपने रुपयों की जोखिम देख बनिए ने उस पर मुकदमा कर दिया। अपने हक में जल्दी फैसला हो जाने की नीयत से बनिए ने जो जज था, जो हाकिम था, उसको एक बीकानेरी पगड़ी पगड़ी भेंट की। तो जज को पगड़ी भेंट की, इसलिए भेंट की कि फैसला मेरे पक्ष में जज करेगा। उधर किसान ने देखा कि न्याय की इन कचहरियों में रिश्वत से ही काम बनते हैं, तो उसने भी चुपके से अत्यधिक वो दूध देने वाली जो एक भैंस है वो हाकिम को नजराने कर दी। दूध देने वाली भैंस हाकिम साहब को दे दी। हाकिम ने फैसला किसान के पक्ष में सुना दिया। न्यायालय में खड़ा बनिया रिश्वत का भेद कैसे प्रकट करता, परंतु फिर भी उसे इशारे इशारे में समझाते हुए सिर की पगड़ी को हाथ में लेकर याचना के स्वर में कहा, अन्नदाता मेरी पगड़ी तो मेरी पगड़ी की कुछ लाज रखो। वो इशारा कर रहा था कि मैंने तो आपको दी पगड़ी, मेरी पगड़ी की लाज रखो। हाकिम उसके इशारे को समझ गया, वापस वैसा ही जवाब दिया, सेठ जी तुम्हारी पगड़ी तो भैंस खा गई। तो ये एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण उन्होंने ऐसे दिया। तो विजी खूब सारी कहानियां ऐसे लिखते रहते हैं। एक एक किसान, दूसरी तीसरी कहानी है ये, साधु की कमाई। साधु की कमाई, एक किसान बैलगाड़ी में बैठा कहीं जा रहा था, गर्मी के दिन थे। रास्ते में उसी तरफ जाते हुए एक महात्मा मिला, एक साधु मिला। किसान सीधा और भोला था, गाड़ी रोक कर कहा, महाराज आपको नमस्कार करता हूं, पाई लगता हूं। गाड़ी होते हुए आप पैदल क्यों चल रहे हो, आप रास्ता भी आसानी से कट जाएगा, कुछ ज्ञान की बातें भी करना और आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो उनको बिठा दिया। उस साधु के पास में एक वीणा था, तो वीणा का जो डिजाइन होता है वो ऐसा होता है, पीछे एक गोल सा होता है और फिर लंबा होता है ऐसे, तो वो वीणा रखा था। आइए ऊपर बैठिए, कुछ धर्म चर्चा और संगत होगी। महात्मा के पास वो वीणा तंदूरा, तंदूरे को हिफाजत से रखकर
स्वयं पद्मासन लगाकर गाड़ी पर बैठ गए। वर्षा के मौसम के कारण रास्ता काफी उबड़ खबड़ था। खचकोले खाती हुई गाड़ी कुछ दूर पहुंची कि लकड़ी के पहिए ढीले होकर पहिए से लकड़ी थोड़ा बाहर निकलने लगी, तो किसान ने गाड़ी रोकी। महात्मा अपने ध्यान में बैठे थे और किसान को वो गाड़ी के पहियों को ठोकना था किसी चीज से, तो उसको कुछ मिला नहीं वहां ठोकने के लिए। तो उसने वो महाराज का जो तंदूरा था वो उसको लगा के उसने सोचा यार ये बहुत बढ़िया बना रखा है, एक तरफ मोटा सा है फिर लंबा सा पीछे है, तो नीचे गाड़ी के उसको ठोकने के लिए कोई वस्तु उसको ध्यान नहीं आई, तो तंदूरा उठा लिया। उसके पीछे बड़ा तुम्बा देखकर उसने सोचा कि ठोकने के लिए बढ़िया चीज बनाई है। उसने घुमाकर जोर से गाड़ी के फातरे को दे मारा, तुम्बा एकदम थोता था, वो जो पीछे वाला हिस्सा है वो तो पोला होता है, थोता था। जोर की ठपकार लगते ही वह तो चूर चूर हो गया। तब किसान ने महात्मा को उल्हाना देते हुए एक तरह का उसको ओलबा देते हुए उल्हाना देते हुए कहा, वाह वाह महाराज, सारी उम्र आपने खपाई और एक ही औजार बनाया और वह भी थोता, तो फिर तुम्हारी इस भक्ति और आपके इस ज्ञान की चर्चा में मुझे तो कोई सार नजर नहीं आता। जिंदगी में एक ही औजार बना है वो भी थोता, तो किस तरह से थोड़ी सी बात में विद्धि इस तरह से वो कह जाते हैं अपनी बात में। आज मैं एक और बात कहूंगा। आज आपको याद है तो दिल्ली में किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए और 6 महीने से किसान बैठे हैं। सरकार बात करने का जो नाटक चला खूब चला, बात की नहीं की, कुछ भी रास्ता नहीं। आज भी किसान वहीं बैठे हैं, तो उनको हम याद करते हुए उनके संघर्ष को सलाम करते हुए मैं एक छोटी सी कहानी शेयर इसलिए करूंगा क्योंकि कहां है फंसी हुई बात वो कहानी के माध्यम से मैं आपको बता दूं। एक चुंदर होती है, वो चूहे की बिरादरी में से होती है, जो चूहे जैसे चुप चुप करके चलती है दीवार के सारे सारे, और छाप यदि चकचुंदर को निगल जाए, सांप चूहे को समझ के चकचुंदर को अगर निगल जाए, मुंह में पकड़ के निकल जाए, तो वो इतना जहरीली होती है कि वो सांप को मार देगी, उसके पीठ निगलने से सांप मर जाएगा। लेकिन पकड़ लिया और उसके बाद में उसको समझ में आ गया कि ये तो चकचुंदर है, मैंने गलती कर दी, चूहे की जगह इसको पकड़ लिया, तो पकड़ने के बाद छोड़ दे तो सांप अंधा हो जाएगा। आज सरकार इसी ओहपस में फंसी हुई है कि ना छोड़ते बनता है ना निगलते बनता है, दे दो तो भी मरे, क्योंकि उन्होंने कहीं किसी से वादे कर रखे हैं कि ऐसी चीज दे मत देना, नहीं तो फिर हमारा वादा हुआ उसका क्या हुआ, और ना दे तो हमारा 6 महीने हो गए किसान बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, इतना उनका परीक्षा लोगे, तो वो ये चाप चकचुंदर की मैंने छोटी सी बात ये कही किसानों के आंदोलन को याद करते हुए। एक कहानी है, ये रास्ता बुरा विधि लिखते हैं, मैं किताब का सहारा ले रहा हूं, याद है कहानी, लेकिन कई बार वो जो अंदर लिखते हैं ना बातें वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बनिया 4-5 लोगों के साथ में गांव जा रहा था, बातें करते हुए जा रहे थे, रास्ते में चलते चलते बनिए के पांव दोनों पांव के बीच में से खरगोश निकल गया। खरगोश के स्पर्श से पहले तो वो बनिया बड़ा हरकत है, ये क्या हो गया, फिर तो उसी जगह पर धम से बैठ गया, वहीं
तुम लोगों ने कहा क्या हुआ सेठ जी? तो दोनों सिर पकड़ के थाम कर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, गजब हो गया। तो उन्होंने कहा हुआ क्या, ऐसी क्या बात है कि नहीं, आज मेरे पांव के बीच में से खरगोश निकल गया। तो साथ के सब आदमी ने कहा, बावरे हो, इसमें क्या गजब हो गया, खरगोश गुजर गया, इसमें चिंता की क्या बात हो गई? बनिए ने पलट कर जवाब दिया, मैं खरगोश के निकलने से चिंता नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रास्ता बुरा है, ये रास्ता अगर चालू हो गया तो आज खरगोश निकला है, कल शेर और चीते निकलेंगे। मैं तो चिंतित हो रहा हूं कि खरगोश ने रास्ता खोजा तो खोजा कैसे, रास्ता पड़ जाने के बाद तो शेर भी इसी रास्ते गुजरे। तो आज आंदोलन और धरनों का जो सिलसिला है, आप देख रहे हैं कि वो चाहे सीएए एनआरसी वाले धरने हुए, तो आज उनको ये किसानों का धरना, सरकार को लग रहा है कि ये रास्ता गड़बड़ है, ये रास्ता चालू हो गया तो कल मजदूर खड़े होंगे, कल और लोग खड़े होंगे, और इसी तरह से ये, तो सरकार को एक डर ये भी है कि इनकी बात सुनो ही मत, ताकि लोग, एक इतिहास बनेगा कि देखो इतना लंबा बैठने के बाद भी उनको नहीं सुना, इतनी लंबी सब कुछ होने के बाद भी नहीं सुना। तो मुझे आपका रेस्पॉन्स क्या है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं अपनी कहानियां अपनी तरफ से कहते जा रहा हूं। एक और कहानी में बताऊंगा, तो क्योंकि विजयदान देता ने जो कहानियां लिखी उसमें यही है, तो किसी जंगल में एक शेर तालाब में पानी पीने आता है, बाकी शेर के अलावा जो दूसरे जानवर है जिनको शेर मार के खाता है, वो शेर के डर की वजह से थोड़ी छुपे तालाब में पानी पीने आते हैं, ध्यान रखते हैं कि कोई आ नहीं जाए, शेर आ गया तो मार के खा लेगा। तो इधर से सियार और सियारनी दोनों पति पत्नी उस तालाब के किनारे वहां पानी पीने के लिए आते हैं, और वो जैसे ही तालाब में पानी पीने के लिए मुंह डालते हैं और पीछे से शेर तालाब में उसकी परछाई सियारनी को दिखती है, और वो समझ गई कि आज फंस गए, आज बच नहीं सकते, आज ये शेर हम दोनों को खा जाएगा, सुबह सुबह शेर को नाश्ता करेगा, हमारा क्या करेगा। तो उसने बहुत दिमाग लगा के तुरंत उस शेर को मौके पे देख ही कहा, तो आप आ गए, हम दोनों पति पत्नी हैं, आपके पास आ ही रहे थे, एक न्याय कराना है, एक आपसे फैसला करवाना है। तो शेर ने कहा क्या हुआ? तो शेर ने उबासी मारी और ऐसे उबासी मारते हुए बोला, बताओ क्या फैसला है, फैसला तो मैं भी कर लेता हूं। तो उसने कहा, देखो ये मेरा पति है और मेरे चार बच्चे हैं, उस और उन बच्चों को, सात बच्चे हैं, और उन सात बच्चों को ये पति कह रहा है कि मैं रखूंगा, और मैं कह रही हूं मैं रखूंगी, मैं माँ हूं, मेरे लिए ये बच्चे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उधर पति मान नहीं रहा है, तो क्या करूं मैं, आप इसका कोई फैसला करो। तो तेरने का बच्चे कहाँ है? तो तेरने का बच्चे तो घर पे है, तुम्हारा घर कहाँ है? तो बोला सामने तो एक गुफा थी छोटी सी, कि वो गुफा हमारा घर है। तो चेर ने कहा, ऐसे मैं फैसला नहीं करूंगा, पहले तुम बच्चों को लाओ, बच्चों को मैं देखूंगा, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। तो चेरने ने तुरंत कहा, मैं अभी लेके आ रही हूं। तो वो जाने लगी तो उसको लगा, ये मेरा पति ये समझा ही नहीं बात को, और ये यहां मारा जाएगा। तो उसने अपने पति को कहा, चल ना तुम भी आ जा, मैं सारे बच्चों को कैसे लेके आऊंगी। तो पति को इशारा किया, वो भी आ गया, और दोनों उस गुफा में घुस गए। वो शेर इंतजार करता रहा कि आएंगे आएंगे। अब वो गुफा इतनी छोटी होती है कि शेर, वो सियार तो चला जा सकता लेकिन शेर नहीं घुस सकता। तो वो एक दो घंटा इंतजार करने के बाद वो शेर वहां से उसकी गुफा के पास गया, और बाहर से जोर से आवाज लगाई, अरे जल्दी निकलो, मेरे को तो आगे और जाना है, आगे और कोई लोग पंचायती के लिए इंतजार कर रहे हैं, फैसले के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाओ जल्दी फटाफट। तो अंदर से शेरनी ने कहा, महाराज, राजा साहब, आप तकलीफ दी, माफी चाहती हूं, और हमने फैसला कर दिया कि इन सात बच्चों में से
चार मैं रखूंगी और तीन ये रखेगा, और ये हम ऐसे आपस में समझ के हो गया है, आपको तकलीफ दिया, यहाँ से पधारे और माफी चाहते हैं, आपको रुकना पड़ा। वो तेर मनी मन बहुत पछताया, उसने देखा कि यार मेरा तो ये सब, तो सियारनी ने मौके पे किस तरह से एक अपनी बात को उजागर मतलब समझाया। तो बिजी कई बार ये कहानियां जानवरों के ऊपर भी लिखते हैं और उनके बहाने इंसानों की बात कहते हैं। एक और कहानी मैं आज ही देख रहा था और मैंने देखा कि ये कहानी तो सुनानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियां हैं बिजी जो लिखते हैं। रुपये का स्वभाव, रुपये का स्वभाव। एक मजदूर एक बनिया के पास जाकर कहता है, सेठ जी एक बात का मरम तो मुझे भी बताओ, मैंने तो इस बात को समझने के लिए बेहद मगजमारी की पर कुछ भी समझ में नहीं आया, आखिर हैरान होकर आपके पास समझने के लिए आया हूं। हम रात दिन मेहनत करता हूं, मनुष्य के देह धारण करके भी हाथियों के समान भार उठाता हूं, आज दिन तक लाखों मन भारी सिलाई और पट्टियां इधर से उधर कर दी, तो भी रुपयों की नोली, रुपयों की थैली, थोड़ा सा भार भी हमारे कमर पर नहीं बंधा, मैं रुपये कभी इकट्ठे नहीं कर पाया, इतनी मेहनत करने के बाद भी। मैं हमाले का काम करता हूँ, पट्टियां निकालता हूँ, खान काम करता हूँ, मकान बनाता हूँ, कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी मेरी थैली में रुपये नहीं इकट्ठे होते हैं। मन करे तो पहाड़ को जगह से छुड़ा दूं, पर हमारे तो चार हाथ की नन्नी देह पालना भी मुश्किल हो गया, मतलब ये हमारी जो शरीर है इसकी, इसको जिंदा रखना भी मुश्किल हो गया, और तुम दुकान पर से हटते ही नहीं हो, एक जगह ठोड़ पर जमे लाखों रुपयों के न्यारे वारे करते हो, तुमने कलम इतने भार के बदले कलम चलाता हो लाखों रुपये इकट्ठे कर लिए, और हम लाखों मन भार उठाकर भी मुट्ठी जितने रुपये भी शामिल नहीं कर पाए, आखिर ये बात क्या है। सोच सोच कर मेरे माथे की नसें ही मानो अब टूटी। सेठ ने वही पर लिखते लिखते ही जवाब दिया, पगले इसमें इतना सोचने जैसी बात क्या है, तू जानता है कि मनुष्यों के पास मनुष्य आते हैं, कौवे के पास कौवे आते हैं, कबूतरों के पास कबूतर आते हैं, और कुर्जों के पास कुर्जे उड़ती है, उसी तरह रुपये के पास ही रुपया आता है, ये मामूली बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आई। मजदूर मरम की ये बात सुनने की वजह से खुशी खुशी रवाना हो गया, पर उसने दिमाग में सोच लिया कि मुझे क्या करना है, और वह इस मरम की हाथों हाथ परख करना चाहता था। आधी रात ढलने पर वह सेठ की दुकान पर गया, कपाट दरवाजा, दरवाजे की दरार में एक रुपया डालकर काफी देर तक इंतजार करता रहा, पर उसके रुपये के पास कोई रुपया नहीं आया। हड़बड़ाकर दरार में कुछ आगे रुपया खसोलने लगा कि उसकी चमोटी से रुपया, उसकी चूंटी से हाथ से रुपया छूटकर दुकान के अंदर टन से जा गिरा। वो दुकान रुपये को पकड़ के दरार में पकड़े रखा कि ये मेरे हाथ में रुपया, तो रुपया रुपये के बदले रुपया आएगा, सेठ जी की दुकान में तो रुपयों की कमी नहीं है, तो वहां से पैसा मेरे पास आएगा। रुपया खोकर वापस अपने घर आ गया, वो रुपया तो आया नहीं उसके हाथ से और छूट के सेठ जी की दुकान के अंदर चला गया। रुपया खोकर वे वापस अपने घर लौट आया, दूसरे दिन फिर सेठ की दुकान पर आकर कहने लगा, तुमने तो मुझे बिल्कुल झूठी बात ही समझाई। फिर उसने रात वाली बात सेठ को बताई जो रात को उसने उसके साथ हुआ। तब सेठ हंसते हुए कहने लगा, मेरा बतलाया हुआ मरम कभी झूठा हो सकता है, रुपये के पास तो रुपया ही आना पड़ता है, वे उसका कुदरती स्वभाव है, उस रुपये का स्वभाव है कुदरती कि रुपये के पास तो रुपया आएगा, मेरे रुपये ज्यादा थे इसलिए तेरे एक रुपये को उनके पास जाना ही पड़ा। आप समझे इस बात को, लेखक क्या कह रहा है,
कि जिसके पास धन है उसके पास धन जा रहा है, तो उस मजदूर का रुपया भी उस धनवान के पास जा रहा है। तो मेरे पास रुपये जाना थे, इसलिए एक रुपये को उनके पास जाना ही पड़ा। मजदूर ने कान पकड़कर सेठ के बतलाए हुए रहस्य को कबूल किया। आप याद करो, पिछले साल आज से जब से कोविड का ये लगा था, आज से सब के आंकड़े हैं, एक रिपोर्ट है, उसमें कितनी संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए, 13 लाख करोड़ रुपए कुछ 10 लोगों के पास, 10% नहीं कर रहा हूं, 10 बड़े अमीर लोगों के पास में 13 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। आप 13 लाख करोड़ को एक तरह से ऐसे समझो, तो अगर पूरे देश में रोजगार गारंटी को चलाने लगो तो पूरे 13 साल तक रोजगार गारंटी का पैसा पूरे देश में आ सकता है। 1 लाख करोड़ तो ये कहते हैं भी नहीं है उतना, लेकिन 1 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ मतलब आप 13 साल तक पूरे देश में रोजगार गारंटी NREGA नरेगा का जो स्कीम है वो चला सकते हो, इतना पैसा। और उस पैसे को हमने एक उससे निकाला था, किसी ने उसमें लिखा भी था कि हर सेकंड 13 लाख करोड़ को आप 9 महीने का, ये 9 महीने में इतनी पूंजी वहां बढ़ी है, मतलब आप 1% लोगों के पास में इस देश की दौलत का 77% 1% लोगों के पास में है। तो आप इस देश की हालत देख सकते हैं कि किस तरह से। तो ये मैंने बिजी की कहानी आपको शेयर की कि कैसे रुपये के पास रुपया जाता है, वो लेखक तो अपने उसमें वो कहते ही हैं। लास्ट में एक कहानी और शेयर करूंगा, वो बिजी की किताब से नहीं है, कहानियां मेरी नहीं है, मैं भी कहीं से सुनता हूं, और आप भी ऐसा करिए कि आप सब लोगों से कहानियां सुनते हो तो आप जरूर सुनाओ आगे, तो जब आप सुनाते हो तो पक्का हो जाता है, फिर वो याद हो जाती है वो कहानी, फिर आगे से आगे चलती है। तो आपने सुन लिया तो सुनने के बाद आप जरूर सुनाइए, और सुनाने से कहानी और आगे फैलेगी। तो ये कहानी मैंने भी कहीं से सुनी, वो कहानी क्या है कि जंगल में डेमोक्रेसी आ गई, जंगल में डेमोक्रेसी आ गई तो सारे जानवर बहुत खुश हुए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई, अब हम वोट देके राजा चुनेंगे, तो राजा का राज खत्म हो गया। तो राजा जंगल में कौन था पहले? शेर। शेर जंगल का राजा था, तो जंगल का राजा शेर और शेर का बच्चा शेर, जो भी उसी की पीढ़ी उसी की खानदान राजा का ही रोल अदा करती थी। तो जैसे ही ये डेमोक्रेसी आई तो सारे जानवर बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा यार इस शेर को तब के वोट देना नहीं, और अपन बंदर को बनाएंगे। तो बंदर को खड़ा किया और भारी मतों से बंदर को विजयी बनाया, और बंदर खुश होके विजयी हुआ। और बैठते ही उसने एक कानून पास किया कि कोई भी शेर आज के बाद किसी जानवर को मारेगा नहीं, मरा हुआ जानवर कहीं मिल जाए तो वो खा सकता है लेकिन मारेगा नहीं। 1 साल 2 साल वो शेर मरे हुए जानवर ही ढूंढता, और धीरे धीरे 2 साल बाद उसने टेस्ट किया कि कानून कैसे काम कर रहा है। तो अब 2 साल में लोगों को विश्वास हो गया, तो खरगोश का बच्चा शेर के ऊपर, खरगोश का बच्चा उसके कान में ऐसे पंजे से कुछ कर रहा है, तब भी शेर कुछ नहीं। एक दिन शेर ने टेस्ट करने के लिए बकरी के बच्चे को मुंह में पकड़ लिया, पकड़ते ही सारे जानवर चिल्लाए, अरे ये कानून तोड़ दिया, इसने तो कानून तोड़ दिया, इसने तो मार दिया, बच्चे को पकड़ लिया, मुंह में पकड़ रखा है और अभी छोड़ा भी नहीं है। और सारे जानवर जाके उस बंदर के पास गए जिसको वो चुना हुआ था। जाओ बंदर बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा था, और जैसे ही इनकी बातें सुनी नीचे से ये चिल्ला रहे हैं, अरे आप जल्दी फैसला करो, नीचे आओ, वो बकरी के बच्चे को शेर खा जाएगा। तो बंदर चीखता हुआ एक टहनी से दूसरी टहनी उस बड़ के पेड़ के ऊपर चीख करके घूमने लगा, यहां से वहां छलांग, वहां से वहां छलांग,
आधा घंटा एक घंटे तक वो छलांग लगाता रहा। फिर जानवरों ने कहा क्या हुआ, निर्णय ले ना, वो बकरी के बच्चों को शेर खा जाएगा। तो उसने बंदर ने कहा कि देखो जब से मैंने सुना है कि बकरी के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया है, तब से भाग रहा हूं, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। मेरे भागते भागते भी अगर बात बिगड़ जाए उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है। बकरी और शेर का क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है और मैं भाग रहा हूं और भागता ही रह रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, नई कहानियों के साथ और मिलेंगे, खूब सारी कहानी और बाकी और कहानियां भी हैं जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई, मजेदार कहानियां भी, छोटी छोटी कहानियां भी है, कुछ बड़ी कहानियां भी हैं। तो हम अगली बार जब मिलेंगे तो नई कहानियों के साथ आपके साथ साझा करूंगा कहानियां। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी इस बहुत बढ़िया कार्यक्रम के लिए और इतने बढ़िया कहानी आपने चुने इस आज के लिए, और आगे भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और विजयदान देता की कहानियाँ, राजस्थानी लोक कहानियाँ, आपकी ही अनुभव से कहानियाँ, तो और भी काफ़ी बाकी है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और समापन में मैं बस ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो शंकर मामा ने सब कह दिया है, कहानी कहानी के रूप में सब कुछ कह दिया है और राजनीतिक मुद्दे से भी जोड़ दिया है, कहानियों से, किसान आंदोलन से, CA NRC, ताकि हम भूलें नहीं कि कहानियों में ये सब राजनीतिक मुद्दे भी और सार भी और विचारधाराएं भी मतलब प्रकट हैं इन कहानियों में। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपने हमें याद दिलाया कि यार क्या क्या हो रहा है इस देश में कोविड के भी अलावा। और एक और चीज़ बस मैं कहना चाहती थी कि लोगों को इतना पता नहीं है कि राजस्थानी लोक कथाएं पहले एक मौखिक रूप में, एक मौखिक परंपरा थी, आगे से आगे सुनाई जाती थी। और मामा ने भी ये बताया हमें कि शंकर मामा ने कि गांव-गांव में बताई जाती हैं, अभी तक जाती थी और जाती हैं। और जिन्होंने ये साहित्यकार विजयदान देता ने जो आप आज सुने ये कहानियाँ उनसे, तो उन्होंने एक बहुत ही बखूबी लिखित रूप में ये कहानियाँ गांव-गांव जाकर सुन के और लिखे अपने बखूबी तरीके से, ताकि हम सब जो राजस्थानी नहीं हैं हम तक पहुँचे ये कहानियाँ और उनके सार हमें भी समझ में आए। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मज़ा आया और हमें, और उमा अब समापन की ओर बढ़ाएगी। समापन की ओर बढ़ते हुए बस इतना कहना चाहूँगी कि आपने जो इतनी मज़ेदार और अर्थपूर्ण कहानियाँ सुनाई हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही इस फेसबुक में आप शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी था इस समय पे, इस लॉकडाउन के दौरान, की कुछ कहानियाँ हमें मिले और सुनने को, और हम वो जो पीड़ा है, जो हम जिस अभी दिक्कतों समस्याओं से जूझ रहे हैं उससे निकल सके और कुछ और चीज़ें भी सुन सके और समझ सके। और इसी के साथ कि हम आगे भी ऐसे ही जुड़ते रहें और नई कहानियाँ लेकर आए आपके लिए, और तो अभी हम समाप्त करते हैं इस फेसबुक लाइव को, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी के जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आखिरी, सफदर हाशमी का एक किताब, एक पोएम था, एक कविता, किताबें करती हैं बातें, तो आपने ये किताबों के बातें हम तक पहुंचाए उसके लिए बहुत शुक्रिया। और एक एक पैराग्राफ मुझे याद है उस कविता से, किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। तो शुक्रिया शंकर जी, और ज़रूर आप सब जो देख रहे थे आगे भी जुड़े हमारे साथ और कार्यक्रमों में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी जुड़े हैं उन सब बहुत बहुत धन्यवाद।